या आराधना करने के लिए कि बातों को सुनने के लिए, तब आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं मेरे प्राण आत्मा शरीर जीवन इच्छाओं को मन को सब को आपके हाथों में समर्पित कर देता हूँ। कहिए प्रभु से कि प्रभु आज यहाँ पर इस जगह पर आप ही की इच्छा पूरी हो जाए। पूरे अपने आप को हम सरेंडर करें पवित्र आत्मा को। कहिए पवित्र आत्मा देव, हम आपको सरेंडर करते पूरी रीति से अधिकार देते हैं। आप जो भी चाहो आप हमारे जीवन में आज करो, आप जो भी चाहो आप यहाँ पर आज करो, आप ही की इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कहिए प्रभु से कि प्रभु आपके चरणों में आना मेरे लिए आशीष का कारण बनाए। आप अधिकार दोगे तब वे काम करेंगे प्यारों, आप कहोगे वहां वो काम करेंगे। आए हमारे बोझों को बाजू पर रख दे, हर एक चिंताओं को बाजू पर रख दे। जब प्रभु के पास साथ है तब हमें हमारा जो कुछ हम लेकर आए, चाहे बोझ हो चाहे चिंता हो चाहे कुछ बातों से हम घिरे हुए हो, जो डिस्टर्ब करने वाली बात है उसे बाजू पर रखना है प्यारो, ताकि हम उसकी ओर देख सकें, ताकि हम उनकी बातों को सुन सकें। अपने मन को खाली कर दीजिए, मन में जो भी चल रहा है कहिए यीशु मेरे सारे विचार आपकी अधीनता में आ जाए, आप मेरे विचारों का नियंत्रण ले लीजिए। अब भावनात्मक रीति से डिस्टर्ब हो, कहीं पर आपकी फीलिंग्स डिस्टर्ब हुई है, हो सकता है यहाँ पर आते हो किसी ने कुछ बोल दिया हो, घर पर माहौल ठीक ना हो और आप हर्ट होकर अंदर से दुखी होकर यहाँ पर बैठे होंगे। अरे प्रभु से कहे प्रभु मेरे दिल को आपको मैं सौंप देता हूँ, उस हर्ट को, उस दिल में हृदय में जो पेन है दर्द है उससे प्रभु को सौंप दीजिए। उसे लेकर आप प्रभु के चरणों में बैठकर प्यारो उसकी ओर ध्यान नहीं लगा पाओगे, आपका ध्यान वहीं पर जाएगा। उसने मुझे ऐसा बोला, मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने ये किया, उसने वो किया। अरे उन सब बातों को बाजू पर रखे प्यारो। फिर शैतान नहीं चाहता कि आप जब प्रभु के चरणों में आओ तब आप पूरी रीति से उस पर ध्यान लगा पाओ। उसका एक काम निष्फल हो गया कि आप प्रभु के चरणों में आ गए, लेकिन वो प्रयत्न करता है कि यहाँ पर आए हो तो यहीं पर आपको ध्यान न लगाने दें ताकि आप खाली हाथ जाओ। लेकिन कहिए मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊँगा, मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊँगी। उस कड़वाहट को प्रभु को दे दे, उस गुस्से को प्रभु को दे दे, उस चिंता को प्रभु को दे दे, उस बोझ को प्रभु को दे दो। वो कहता है बोझ से दबे हुए लोगों अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देना चाहते हैं आज, वो अपनी शांति से आपके दिलों को भरेंगे। सिर्फ यहाँ पर आकर आप बैठे हो, उसकी उपस्थिति में आयो, हमें यहाँ किसी मनुष्य से मिलने नहीं आयो, और वो आज आपको विश्राम देंगे, आपको अपनी शांति से भरेंगे। लेकिन वो विश्राम पाने के लिए आपको उनसे जुड़ना है, कनेक्ट होना है। वो श्रोता है सारी आशीषों का, वो शांति का सरदार है प्यारो। वो अपनी शांति को आपके दिलों में बहाएगा, वो अपने प्रेम को आपके दिलों में बहाना चाहता है, वो अपने सामर्थ को आपके जीवन में आज बहाना चाहता है। लेकिन आपको उससे जुड़ जाना है, कोई भी बातें आपको उससे डिस्कनेक्ट ना करें, उससे अलग ना करें। वो हर एक बातें जो हमें उससे अलग करती है, यीशु से जुड़ने से रोकती है, उसे बाजू पर रखें। मैं जब आपको कह रहा हूँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है प्यारो, करना है। प्रभु का दास कहता है हर एक वो कल्पना है, हर एक वो विचार जो परमेश्वर के विरुद्ध सिर खड़ा करते हैं उसे हम दबाते हैं, उसका दमन करते हैं, उसको हम कंट्रोल में लाते हैं। कंट्रोल में लाइए,
उन हर एक बातों के ऊपर अंकुश ले लीजिए। कहिए यीशु मसीह के नाम से उन हर एक विचारों के ऊपर, उन हर एक भावनाओं के ऊपर मैं कंट्रोल लेता हूँ जो मुझे प्रभु से जुड़ने से रोकती है। चाहे आपके शरीर में कोई बीमारी हो, दुख हो, दर्द हो, वो भी आपको प्रभु से जुड़ने से रोकना नहीं चाहिए। वो 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो स्त्री ने अपनी बीमारी को यीशु के साथ जुड़ने से, वो बीमारी को बाधा रूप बनने नहीं दिया, रुकावट रूप बनने नहीं दिया। बीमारी के बावजूद, दर्द के बावजूद वो यीशु के पास गई, उससे जुड़ गई, उससे स्पर्श किया, टच किया। आज कहे कोई भी बीमारी मुझे यीशु से जुड़ने से रोक ना पाए। कोई भी पेन, कोई भी दर्द, कोई भी कर्जा, कोई भी तकलीफ मुझे यीशु से जुड़ने से रोक ना पाए। आज मैं यीशु को स्पर्श करूँगा, यीशु के स्पर्श का अनुभव करूँगा, उससे मैं जुड़ जाऊँगा, उससे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। और जब मेरी आत्मा यीशु के साथ जुड़ जाएगी, मैं अपने जीवन में सामर्थ को बहते हुए आज देखूँगा। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु का सामर्थ बहेगा। मैं सेम नहीं जाऊंगा, यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हमारी दुआ है, प्रार्थना है, यह अनुग्रह हम पर होने दीजिए। कोई भी बात हमें आपसे अलग ना करें, चाहे वो हमारे विचारों, भावनाएं हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, चाहे और कोई परिस्थिति हो, आज यीशु मसीह के नाम में वो सब परमेश्वर के अंकुश तले आ जाए। वो हमें परमेश्वर से जुड़ने से रोक न पाए, परमेश्वर की बातों को सुनने से रोक न पाए, परमेश्वर की आराधना करने से रोक न पाए। और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, उसके साथ जुड़कर, उसकी प्रेजेंस में बैठकर ओ नए होकर जाए, नए सामर्थ को पाकर जाए, छुटकारे को लेकर जाए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाकर जाए, कुछ सीख कर जाए, वो सत्य को जान कर जाए और वो सत्य हमें फ्री करे, रिहाई दे यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता, यह अनुग्रह हम पर होने दीजिए। समय के विरुद्ध शैतान के जो भी काम हो, उसे यीशु मसीह के नाम से बांधते, डांटते, तोड़ते, निष्फल करते। हर एक वो आत्मा जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है, उसे यहाँ से हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। इस एटमोस्फियर से हर एक उस दुष्ट आत्माओं को जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है, उसे हम बांधते हैं। उनके कामों को, उनकी योजनाओं को, उनके सामर्थ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम तोड़ डालते हैं, निष्फल कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पूरी फ्रीडम हम घोषित करते हैं, पाक रूह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा, आप जो भी करना चाहते हो हमारे जीवनों में करिए, यहां पर करिए। यह दुआ यीशु मसीह के नाम से है, आप कबूल करिए प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, प्रभु को महिमा देते हुए गाना हम गाना चाहते हैं। यीशु न बदले, बदले कभी, बदले आसमां चाहे ये जमीन ना रहे, सब कुछ बदल जाए लेकिन यीशु बदलते नहीं है, वो हमेशा सेम रहते हैं। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं, यीशु 5 साल पहले जितना प्रेम आपसे करते थे, 10 साल पहले जितना प्रेम करते थे, आज भी उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो बदले नहीं है, उसकी सामर्थ में कमी नहीं आई है, वो सेम टू सेम है। हालेलुया। आए प्रभु को महिमा दे प्यारो, प्रभु ना ही बदलते हैं, ना ही उसके वायदे बदलते हैं। उसको महिमा देते हुए गाना गाए। जो बात
धोखा नहीं देगा, वो अपने विश्वासियों के तब प्रूव करेंगे। आमेन, हालेलुया। कुछ ना हो तेरे पास तू न छोड़ना उसकी याद, बोलिए मेरा यीशु शून्य से सब बनाने वाला परमेश्वर है, जो आशीषों का एक बूंद नहीं दिख रहा वहां वो आशीषों की बारिश करने वाला खुदा है। हालेलुया। जो आशीष आपकी नजर के सामने दिख नहीं रहे, शून्य जैसी सिचुएशन है, वो शून्य से भी सुंदर बनाने वाला खुदा है। ये सृष्टि भी प्यारो अंधकार से भरी हुई थी, शून्य थी, लेकिन वहां पर प्रभु का आत्मा मंडराने लगा और सृष्टि को सुंदर बनाया गया। वही खुदा आपके साथ है। हालेलुया। भजन संहिता 126 में प्रभु के लोग कहते हैं, जब यहोवा सियोन से लौटाने वाले को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। कैसे हो गए? स्वप्न देखने वाले से। उनको लगा कि आज जो हम देख रहे हैं वो ड्रीम है, ये कहीं पर अस्तित्व रखता ही नहीं था, इसकी कोई सक्यता नहीं थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये हो ही नहीं सकता था। ड्रीम पूरा हो गया। हालेलुया। आप जो सिर्फ ड्रीम में देख रहे हो, वास्तविकता में शून्य है। यीशु वो ख्वाबों को भी जो उसकी इच्छा में वो पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आपने अपने बिजनेस के लिए ड्रीम रखा होगा, आपने अपने बच्चों के लिए ड्रीम रखा होगा, आपने अपनी हेल्थ को लेकर ड्रीम रखा होगा कि ये बीमारी से मैं आज़ाद होऊंगा, ये ट्यूमर दूर हो जाएगी एक दिन, ये मेरा शुगर नॉर्मल हो जाएगा, ये मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आज हो सकता है वो जीरो लगता हो। आशा को नहीं छोड़ना है कि वो शून्य से सृष्टि बनाने वाला, सुंदर बनाने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाए और अपने विश्वास को जाहिर करें। अभी क्या करना है आपको? आपको जो सिचुएशन जीरो जैसी लगती है उसमें विश्वास घोषित करें, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे आपका फैमिली का कोई प्रश्न हो, जहाँ पर आपको लगता है यहाँ कोई संभावना नहीं है, वहाँ आपको डिक्लेयर करना है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ भले कुछ नहीं दिख रहा, शून्य जैसी सिचुएशन है, लेकिन मेरा यीशु ये शून्य से अद्भुत सर्जन करने जा रहा है, ये शून्य को मैं सुंदरता में बदलते हुए देखूंगा। जहाँ आज मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आज मुझे सिर्फ ख्वाब में मैं देखता हूँ कि काश ऐसा हो जाए, वो मेरे ख्वाबों को पूरा करेगा, वो मेरे स्वप्नों को अधूरा नहीं रहने देगा, वो मेरी आशाओं को टूटने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आई मिलकर दूसरा सेंसा फिर से गाए, कुछ ना हो तेरे पास तू ना छोड़ ना उसकी आस, शून्य से वो सब बनाता। एलशाडाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान प्रभु। हालेलुया। जिसके लिए कुछ
जरूरी नहीं है कि कुछ हो उसमें से वो कुछ बनाए, जहां जीरो है कुछ नहीं है वहां से भी बहुत कुछ बना सकता है। आमेन। आई प्रभु को महिमा देते हुए गाएं। खुदावन को महिमा दे जो हमारे लिए शून्य से सुंदर बनाने वाला प्रभु है, जो ऐसा ना है, जो सर्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया। एक और गाना प्रभु के नाम को महिमा देते हुए गा, यीशु नाम है सबसे ऊंचा, यीशु नाम है सबसे ऊंचा, ना आकाश मंडल में ना सारी धरती में कोई तेरे जैसा दूजा। यीशु का नाम सबसे ऊपर है, हर बीमारी के नामों से, हर सिचुएशन जो भी आपके सामने खड़ी है उसके नाम से यीशु का नाम ऊपर है। गोलियात हट्टा कट्टा था, दाऊद छोटा था, लेकिन दाऊद के पास वो था जो गोलियात के पास नहीं था, जिंदा खुदा का नाम। हालेलुया। वो अपनी ताकत से नहीं बोलता है, सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे सामने आया हूँ और आज मैं तुझे हराऊंगा। हालेलुया। आज अभी से अपने विश्वास को डिक्लेयर करना शुरू कर दे, आज मैं शैतान को हराऊंगा, वो हर सिचुएशन को मेरे जीवन से हारता हुआ देखूंगा, हर गोलियात को गिरता हुआ देखूंगा। मैं मेरी सिचुएशन के सामने मेरी ताकत से नहीं खड़ा हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से खड़ा हूँ। हालेलुया। और वो नाम सब नामों से ऊपर है, उस नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। आयुष महिमा देते हुए गाए। यीशु नाम है सबसे ऊंचा, यीशु नाम है सबसे ऊंचा, ताली बजाकर गाए। यीशु नाम है सबसे ऊंचा, यीशु नाम है सबसे ऊंचा, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे।
से जीवन मिलता है यीशु नाम से शांति भी मिलती है। एक और बार गाएं, जीवन मिलता है यीशु नाम से शांति भी मिलती है यीशु नाम से। Shout out.
संसार में थे और वह एक दिन आराधनालय में गए थे और उनके बीच एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, मतलब हाथ में जीवन ही नहीं था, जान नहीं थी, हाथ पूरा सूख गया था। और वहां जब प्रभु यीशु आराधनालय में गए तब शब्द का दिन था, साबात डे था, और साबात को यहूदी लोग कुछ भी नहीं करते थे। और यीशु ने देखा लोगों की भीड़ खड़ी है और वहाँ एक व्यक्ति है जो जरूरतमंद है, जिसका हाथ सूख गया है। बेचारा पूरा जीवन परेशानी झेलता आया है, वो हाथ से वो कुछ कर नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, उठा नहीं रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा। पता नहीं वो सूखे हाथ के कारण उसकी क्या अवस्था होगी। और वो व्यक्ति वहां पर खड़ा है सूखा हाथ लेकर, और लोग देख रहे हैं तमाशा कि अगर आज यीशु मसीह ये सूखे हाथ वाले को चंगा कर देता है तो हम उसके विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि साबात के दिन कोई भी काम करना उचित नहीं है, वैसा वे लोग मानते थे। लोगों की भीड़ यीशु के विरुद्ध जाने के लिए खड़ी है, सिर्फ देर थी कि वो उस व्यक्ति को चंगा करे। लेकिन पता है प्यारो, यीशु ने क्या कहा? यीशु के लिए लिखा है वहां, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो जा। हालेलुया। वो सूखे हाथ वाले मनुष्य को यीशु कहते हैं, तू बीच में खड़ा हो जा, मेरे लिए तेरी चंगाई इंपॉर्टेंट है, बाकी के लोग क्या कहते या नहीं कहते उससे भी ज्यादा। पूरे लोग मेरे विरुद्ध हो जाए कोई बात नहीं, वो मेरे ऊपर पथराव करे कोई बात नहीं, मुझे आराधनालय से निकाल दिया जाए कोई बात नहीं, मेरे विरुद्ध जिसे होना हो जाए, मेरे विरुद्ध जिसे जो करना हो कर दे, लेकिन मेरे लिए तेरी चंगाई मायने रखती है, मेरे लिए तेरे दुख को दूर करना मायने रखता है। हालेलुया। ये यीशु क्या हृदय है प्यारो, वो कुछ नहीं देखेगा आपको अपनी परिस्थिति से बाहर लाने के लिए। आप कौन से धर्म से हो, जाति से हो, ज्ञाति से हो, धनवान हो, गरीब हो, कुछ मायने नहीं रखता। बस उसका दिल प्रेम से भरा हुआ है, उसके दिल में सिर्फ एक ही वेदना है, वो वेदना जो आप झेल रहे हो वो उसके दिल में है। वो चाहता है मैं तुझे कैसे फ्री करूं, मैं तुझे कैसे आजाद करूं, तुझे तेरी परिस्थिति से कैसे छुड़ा ले आओ, मेरे लिए और कुछ महत्व नहीं रखता, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं चाहता हूं मैं तुझे आजाद करूं। हालेलुया। यीशु ने उल्टा बाहर ले जाने चाहिए ना, आराधनालय से छूट कर भी उसे चंगा कर सकते थे, लेकिन यीशु दिखाना चाहता था कि मेरे लिए लोगों के दुख और दर्द दूर करना महत्व रखता है, बाकी और कुछ नहीं। हालेलुया। वो बस आपसे वैसा ही प्रेम करते हैं,
वो सिर्फ आपके दुख दर्द तकलीफ पापों के कारण अनंत काल की शिक्षा उससे आपको आजाद करना चाहते हैं, उसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई भी क्या बोले क्या कहे, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। वो रोगों के लोगों के दुख और दर्द को देखकर अपने आप को रोक नहीं सकता, वो लोगों के दुख और दर्द को देखकर अपने आप को रोक नहीं सकता। बीच में खड़ा कर दिया, चल बीच में खड़ा हो जा, और फिर वहां वो लोगों के ऊपर गुस्सा कर दे कि ये कैसी कठोरता है। वो कठोरता से उदास हुए, दुखी हुए और क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपका दर्द मायने रखता है प्यारो। लोगों के लिए सिर्फ वो सूखा हाथ वाला एक तमाशा था, देखना चाहते थे, दूर रहकर बस तमाशा देखना चाहते थे। यीशु दूर रहकर सिर्फ आपके दुख और दर्द का तमाशा नहीं देखना चाहते, वो उसे दूर करना चाहते, वो उससे आपको बाहर लाना चाहते, वो उससे आपको छुड़ाना चाहते, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, कोई भी हद तक जाएंगे, वो कुछ नहीं देखेंगे। वो धर्म के बाड़े तोड़ डालेंगे, वो गरीबाई अमीराई के बाड़े भी तोड़ डालेंगे, वो जाति ज्ञाति के बाड़े भी तोड़कर आप तक पहुँचेंगे, आपको छुड़ाने के लिए, आपको फ्री करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। ही वो आपको प्रेम करते हैं प्यारो। हालेलुया। और उसका नाम काफी है। वो सूखा हाथ जिसमें जीवन नहीं था, जब यीशु ने कहा वो सूखे हाथ में जीवन आ गया। आपके जीवन में कोई भी सुखी परिस्थिति हो, यीशु कह रहा है मेरे लिए तेरी तकलीफ मायने रखती है बेटा, मायने रखती है बेटी, तू फिक्र नहीं कर, कोई भी बाधा मुझे तुझे चंगा करने से रोक नहीं पाएगी। मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तुझे चंगा करूँगा, छुड़ाऊँगा, और वो मुर्दा परिस्थिति में मैं जान डाल दूँगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हाथों को उठाए और कहे यीशु नाम सबसे ऊंचा, यीशु नाम सबसे ऊंचा, काफी है प्यारो आपके जीवनों से मुर्दा परिस्थिति को बदलने के लिए। हालेलुया। आए आखिरी गाना प्रभु को महिमा देते हुए गायन। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। जहां यीशु है बड़े काम होना कोई नई बात नहीं है, वहां बड़े काम होने ही होने। आमेन। ये आशा रखे, आज कुछ बड़ा मेरे जीवन में होने जा रहा है, विश्वास करते हो? कहिए ऊंची आवाज में, आज कुछ बड़ा काम मेरे जीवन में होने जा रहा है। तो यीशु जहां है वहां बड़े बड़े काम जरूर होते हैं, जरूर होते हैं, जरूर होते हैं। अबे अब प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाए। Cool.
बड़े बड़े काम हो
जब चेलों के साथ थे उनको फिक्र नहीं करनी थी कि तूफान के बीच से कैसे वो पार जाएंगे, क्योंकि खुद वो तूफान के ऊपर जो अधिकार रखता था वो उनके साथ था। वो डरे तब यीशु ने उनको डांटा, क्योंकि उनको सिर्फ बिलीव करना था कि तूफान के ऊपर जिसको अधिकार है वो उनके साथ है। वो तूफान को थमाने की ताकत रखता है, वो बड़ी सामर्थ रखता है तूफान को थमाने के। बोले मेरा यीशु बड़ी सामर्थ रखता है तूफान को थमाने के। कोई तूफान इतना बड़ा नहीं है, बोले 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 ऊंची आवाज में, कोई तूफान इतना बड़ा नहीं है कि मेरा यीशु उसे थमा ना सके। हर तूफान की ताकत को तोड़ने के लिए मेरे यीशु के सामर्थ, मेरे यीशु के सामर्थ, मेरे यीशु के सामर्थ, ओ वो काफी है, काफी है, काफी है, काफी है। बोले यीशु की सामर्थ काफी है, बोले यीशु की सामर्थ काफी है। ओ हालेलुया, ऊंची आवाज में तूफानों को, तूफानों तो फालो को थमा।
खुदावंत को धन्यवाद है जो पहाड़ों को हटाने की ताकत रखता है आपके मार्गों से, जो आपके लिए रास्ते तैयार करने की ताकत रखता है, जो आपकी राहों को आसान करने की ताकत रखता है। मत डरिए आपकी राह में जो पहाड़ है उससे, मत डरिए आपकी राह में जो बाधा है उससे। आप आगे बढ़ोगे, बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में, न शक्ति से लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पहाड़ ढल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, ओ खुदा की सामर्थ्य, ओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वहां के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। प्यारो, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल था। वो ही खुदा है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, जो शून्य से सर्जन करता है। वो शून्य से सर्जन करने वाला खुदा है, उसके लिए कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे साथ जो है वो सामर्थ्य है, वो कमजोर नहीं है, वो पूरी सृष्टि का बनाने वाला है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा अपने हाथों से, अपने शब्दों से। वो खुदा हमारे साथ है, वो हमारे रास्तों से पहाड़ों को हटाएंगे, वो राह को तैयार करेंगे, वो मुर्दा परिस्थिति में जीवन डालेंगे, वो शून्य से सुंदर बनाएंगे। ओ यीशु धन्यवाद, ओ प्यारे खुदा धन्यवाद, ओ पाखरू धन्यवाद।
धन्यवाद, आदर मान और सम्मान आपके चरणों में लाते हैं। हमारी आराधना को आप कबूल करें प्यारे खुदा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्लीज बैठ जाएगा।